अपना इडली में आप सभी का स्वागत है। अपना इडली में आज की हमारी रेसिपी अफगानी चिकन। अफगानी चिकन बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 kg चिकन लिए हैं, अच्छे से धो लिए हैं। 2 बड़े चम्मच मलाई, 2 बड़े चम्मच दही, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिए हैं। 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा तेल। अब हम चिकन में दही, मलाई, काली मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा 1 चम्मच डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अफगानी चिकन में हमें कोई भी कलर वाला मसाला ऐड नहीं करना है, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। 2 घंटे चिकन मैरिनेट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 लेमन का जूस, लेमन जूस, 1 छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। ये दोनों चीज इसमें जरूरी है डालना। और थोड़ा सा एक चम्मच के करीबन चीज। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसको दूसरे साइड भी पलट के अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि हमारा चिकन गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। ये मेरा ब्राउन चिकन पक गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल के बाकी के सारे चिकन ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। इस तरह गोल्डन ब्राउन तक हमें फ्राई करना है और बाकी के चिकन भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो हमारा लास्ट प्रोसेस है, सारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे सबको, और जो हमारा ग्रेवी मैरिनेशन का बचा हुआ है उसको भी हम कढ़ाई में डाल के 5 मिनट तक मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से सारा ग्रेवी चिकन में हमारा मिक्स हो जाए। बाद हमारा चिकन कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमारा लास्ट प्रोसेस है इसको स्मोक देने के लिए। उसके लिए हमें कोयला को पहले से ही गरम कर रखें। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने के साथ ही हम इसके लीड को कवर कर देंगे, जो कि इसका स्मोक अंदर अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद फाइनली हम इसको प्लेटिंग करेंगे। सैलेड ऐड करेंगे और ये हमारा अफगानी चिकन का फाइनल लुक कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हमारी अफगानी चिकन की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दूसरे को शेयर भी करना। धन्यवाद।